स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्चना पारा शर्मा। तो आज हम इस डिज़ाइन का डोरमेट आपके लिए लेके आए हैं। तो इसे हमने दो कलर का यूज़ किया है, ग्रीन और वाइट। पांच ग्रीन की पत्तियां बनाई हैं और पांच हमने वाइट की पत्तियां बनाई हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन पूरा हमारा बनके अभी तैयार है और अब बाद में हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो हम दो कलर ले चुके हैं और 7 नंबर की सिलाई का हमने इसमें यूज़ किया है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ऊन को डबल करके पहले ही रखा है। तो इस तरह से अब हम फंदे डाल लेते हैं सिलाई पे। तो ये डोरमैट हम 30 फंदों का बना रहे हैं। तो पूरे 30 फंदे हम सिलाई पे डाल लेते हैं अभी। हम इस तरह से फंदे डाल रहे हैं। आपको जिस तरह के फंदे आसान लगे उस तरह से आप डाल लीजिएगा। इसके बाद पहला फंदा उतार के हम लास्ट तक पूरी ये रो बुन लेंगे। सीधी उल्टी दोनों रो हम पहले बुन लेते हैं। दो फंदे हमने पीछे से अभी छोड़ दिए हैं, बाकी सारे फंदे फिर से ऊपर तक दो छोड़ने तक बुन लेते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से दो दो फंदे छोड़ते हुए चलना है। दो फंदे छोड़ के फिर से सारे फंदे ऊपर तक बुन लेते हैं। तो दोनों तरफ से दो दो फंदे बुनते हुए हम आधे आधे फंदे छोड़ देंगे दोनों तरफ से, इस तरह से। तो 7 फंदे मतलब 7 जोड़े 14, तो 14 इधर से और 14 उधर से हम दोनों तरफ से अब फंदे बुन लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, और बीच में जो दो फंदे हमारे बचते हैं, ये दो फंदे, तो उसको एक फंदे को ए वाली रो में हम डाल लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, और धागे को आगे करके वो रो पूरी हम बुन लेंगे। अभी जो हमारी ऊपर की साइड है डोरमेट की, उसे पूरी तरह बुन लेना है इस तरह से। तो दोनों तरफ से हमारे 15-15 फंदे अभी बुन चुके हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हमें इस रो को एक फंदा उतार के फंदे बुनते चलना है, जहाँ तक 15 फंदे हमारे छूट चुके हैं वहाँ तक।
14 फंदे हमने बुन लिए हैं, एक फंदा हमने बिना बुने ही छोड़ दिया है। फिर से सारे फंदे ऊपर तक बुन लेते हैं और इसी तरह से हम हर रो में पूरे 15 फंदे छोड़ना है। एक एक फंदा पीछे से साइड से छोड़ के चलते हैं, पूरे 15 फंदे हम अभी इसी तरह से अभी बुन लेते हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इस डोरमेट को बनाना, बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से इस डोरमेट को बना सकते हैं। पीछे से फिर से हमने एक फंदा छोड़ दिया, तो हर रो में हमें पीछे से एक एक फंदा छोड़ के सारे फंदे बुन लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, तो ये हमारे इस तरह से पूरे खुले खुले फंदे अभी हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए पहला फंदा उतार लिया, अभी हमने जो फंदे छोड़े हैं उन एक एक फंदे को लेके हमें बुनते जाना है इस तरह से। आप देखिए फ्रेंड्स, हम दिखा रहे हैं आपको हमने कैसे बनाया है। फिर से एक फंदा इस पे बुन लेना है, हमें गैप को वैसे ही रखना है ताकि एक अच्छी सी बीच में एक डिजाइन बन के तैयार हो जाए। धागे को थोड़ा टाइट लेना है खींचते हुए, तो इसी तरह से आप पूरे 15 फंदे जो हमने खुले खुले छोड़े थे वो बुन लेते हैं, पूरे 15 फंदे अभी वहां तक। पूरे 15 फंदे हम बुन लेते हैं अभी और आपको फिर से हम दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये पूरे फंदे हमने बुन लिए, इस तरह से हमारे बीच में डिजाइन बनके तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इस डोरमैट को बनाना। अब हम पूरी एक रो लास्ट तक बुन लेते हैं। आप इस डोरमैट को जरूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और बना सकें। अब ये फंदे जो पीछे छोड़े थे वो पूरे फंदे हमें इस लाइन में पूरे बुन लेने हैं। तो इस तरह से एक पूरी कली हमारी ये बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स बहुत प्यारा बन के तैयार होता है ये डोरमैट। अब यहीं से हम फिर से अलग कलर का एक धागा लगा लेते हैं। आपको जो भी लगाना है, हम ग्रीन कलर का यहाँ पे धागा लगा रहे हैं। तो ये दूसरी कली हमारी यहाँ से बन के स्टार्ट होने वाली है। हम एक रो आपको कलर की बना के दिखाते हैं, अलग वाले कलर जो हम लगा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी एक कली बन के तैयार है। इस तरह से आप सारे पत्तियाँ सारी कलियाँ बना के हमने इस तरह का डोरमेट बना के आपको दिखाया है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार है।